सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नागाटो एक गुफा में बैठकर पेन को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो नारुतो को मार सके और उसका नाइन टेल्स कैप्चर कर सके। वेल वो प्लैनेटरी डेवास्टेशन नाम के जूत्सु से नारुतो को कैद भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से नारुतो थोड़ा सा परेशानी में चला जाता है, जिसकी वजह से नाइन टेल्स से मैनिपुलेट करके खुद को रिहा करने को कहता है। वेल इसीलिए नारुतो अनकंट्रोल होकर एट टेल्स को भी रिलीज कर देता है, पर नाइन टेल को रिलीज करने से पहले फोर्थ होकागे उसके डैड उसके सामने आते हैं और उसको कंट्रोल में लाते हैं, जिसकी वजह से नाइन टेल्स का बाहर आना रुक जाता है। अब देखते हैं आगे। मिनाटो नारुतो से मिलकर कहने लगता है कि नारुतो तुम ये गलत कर रहे थे, तुमने नाइन टेल्स को रिहा करने की सोची, ये बहुत गलत था, खुद पर कंट्रोल पाओ। और इसी तरीके से मिनाटो नारुतो को खुद पर कंट्रोल पाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा होता है। नारुतो कहता है कि आप फोर्थ होकागे हो और आप यहाँ पर कैसे और आपको मेरा नाम कैसे पता। मिनाटो देन उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारा डैड हूँ नारुतो। ये सुनकर नारुतो पूरा का पूरा शॉक में चला जाता है और मैं नहीं चाहता था कि मैं नाइन टेल्स को दोबारा बाहर आकर डिस्ट्रक्शन करता हुआ देखूं, इसलिए मुझे तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में आना पड़ा तुम्हें जगाने के लिए। तभी नाइन टेल्स कहता है कि मिनाटो नामी काज़े कितने दिनों बाद मिले। फिर मिनाटो कहता है कि चलो नारुतो किसी अच्छी जगह पर चलकर बात करते हैं। फिर मिनाटो नारुतो को ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर सिर्फ उजाला ही उजाला होता है और वो दो ही होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होता। देन मिनाटो ये भी बताता है कि उसी ने ही नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील किया है। तभी नारुतो की खुशी डरोने में बदल जाती है और वो बताता है कि इसी नाइन टेल्स की वजह से लोग मुझे मॉन्स्टर कहा करते थे और लोग मुझसे दूर भागा करते थे। फिर जब मुझे इरुका, काकाशी और जिराया सेंसे मिले तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग और काबिल बनाना सिखाया। मिनाटो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश और दुखी दोनों हूँ नारुतो, बट जब मैंने तुम्हारे अंदर नाइन टेल्स को सील किया था वो एक ट्रेजिक इंसिडेंट था बिकॉज ऑफ ए मास्टर माइंड गाय। नारुतो कहता है कि कौन मास्टर माइंड गाय, मुझे लगा था कि पेन ही हमारे लिए फिलिस के सबसे बड़े एनिमीज है। मिनाटो कहता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक अकाचुकी मेंबर है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसी ने ही नाइन टेल्स को मैनिपुलेट करके लीफ विलेज पर अटैक करने के लिए बोला था और मुझे लगता है कि वो वापस से विलेज पर अटैक करेगा नाइन टेल का यूज करके। नारुतो कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो लीफ विलेज तबाह हो चुका है। फिर मिनाटो कहता है कि मैंने देखा तुम्हारे अंदर से। फिर नारुतो कहता है कि क्या तुमने मेरे अंदर से देखा। मिनाटो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया। फिर नारुतो पूछता है कि क्या फिर वो पेन ही था जिसने नाइन टेल का यूज करके अटैक किया था विलेज पे। मिनाटो कहता है कि नहीं, वो पेन नहीं था, वो एक अकात्सुकी था जो कि मास्क पहनता है। तुम्हें याद होगा नारुतो, अगर तुम्हें उसने देखा होगा तो। मिनाटो देन कहता है कि मुझे लगता है कि पेन को भी वही बंदा यूज कर रहा है जिसने लीफ को 16 साल पहले डिस्ट्रॉय किया था। नारुतो इस बात से डिसएग्री करते हुए कहता है कि नहीं, पेन को लीफ से बहुत हेट्रेड था इसलिए पेन ने लीफ पर अटैक किया। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा पेन से भी ज्यादा ताकतवर ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बंदा लीफ पर अटैक क्यों करेगा, कोई रीजन तो होगा। मिनाटो उसका जवाब देते हुए कहता है कि जब तक शिनोबी कल्चर जिंदा है लीफ पर अटैक होते ही रहेंगे, कभी पीस हासिल नहीं होगा नारुतो। किसी प्रेशियस चीज को बचाने के लिए वॉर करना ही पड़ता है नारुतो। जब तक इस दुनिया में प्यार है तब तक हेट भी है, इसी के लिए लोग मरते हैं और जिराया सेंसे भी इसी की वजह से मरे थे। और यह सब अभी तुम्हें ही रोकना पड़ेगा, लीफ को तुम्हें ही बचाना पड़ेगा नारुतो। नारुतो कहता है कि मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे बचाऊंगा, मैं तो 16 साल का हूँ और वो मास्क वाले बंदे से मैं कैसे लड़ूंगा भला, मैं इतना छोटा हूँ और ना समझ भी। मिनाटो नारुतो के सर पर हाथ रख कर कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, और नारुतो मैं जानता हूँ कि तुम ये कर दिखाओगे, मेरा नाम रोशन करोगे। और फिर वो कहता है कि चलो अब मैं फेड होने लगा हूँ, इसीलिए जल्दी से तुम्हारा चाकरा तुम्हारा सील हील करता हूँ, और ये सील मैं सिर्फ एक बार हील कर सकता हूँ नारुतो। सो आगे से ध्यान में रखना, ये सब अब तुम्हारे हाथ में है, कैसे उनको रोकना है और कैसे जीत हासिल करनी है। फिर हम रियलिटी में आते हैं जहाँ पर हम उस बॉल को देखते हैं जो कि गिरने लगता है बिकॉज नारुतो उसके अंदर से बाहर आने लगता है और उसका सेज मोड चालू होता है। विल ये सब पेन नीचे से देखता है और कहता है कि इंप्रेसिव, ये बंदा फिर से बाहर आ गया। और फिर वो भी देखता है कि उसका सेज मोड ऑन है और वो सोचता है कि अब इसे हराना पड़ेगा। फिर अंदर हम देखते हैं कि जो नागाटो होता है उसका चाकरा बहुत कम होने लगता है, दैट्स वाई वो जो बॉल था वो टूट कर नीचे गिरने लगता है क्योंकि नागाटो में पावर नहीं होती। अगले सीन में हम देखते कि नारुतो भी नीचे गिरने लगता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब नारुतो नीचे आता है वो कहता है कि अब मेरे पास सेज मोड है इसीलिए मैं नाइन टेल्स का चक्रा यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी पावरफुल नहीं होगा। पेन भी सोचता है कि मेरे पास भी बहुत चक्रा कम है और सेज मोड की पावर भी बहुत कम होती है, इसीलिए मेरा चक्रा खत्म होने से पहले मुझे नारुतो को कैसे भी करके हराना होगा। नारुतो आसपास देखता है, कहता है कि ये सब तबाही कैसी, क्या मैंने सबको तबाह कर दिया। फिर वो कीड़ा कहता है कि हाँ नारुतो, जब तुम नाइन टेल्स बने थे तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर नारुतो सेंस करता है हिनाटा का चक्रा और वो कहता है कि हिनाटा तो जिंदा है, ये अच्छा हो गया।
फिर हम हिनाटा को देखते हैं जो कि पड़ी होती है और नारुतो कह रही होती है। फिर उसको बैकअप आता है और बाकी सारे बंदे रॉकली गाय सेन से उसे बचा कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पेन को देखते हैं, वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे नारुतो। क्या अभी तक तुम्हें रियल पेन का एहसास हुआ या नहीं? क्या मुझे फिर से दिलाना पड़ेगा? फिर नारुतो कहता है कि तुम बकबक मत करो, मुझे असली नागाटो से मिलना है, बोलो वो कहाँ पर है। नारुतो कहता है कि अब बहुत हो गया, तुमसे लड़ाई मुझे करनी ही नहीं है, मुझे बातें करनी है। पेन कहता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया, हाँ बट ये कुछ फायदे का नहीं होगा बातें करना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ सेज मोड है और तुम मुझसे लिमिटेड जुत्सु ही कर सकते हो। फिर नारुतो कहता है कि मतलब तुम लड़ाई पर आ ही गए हो, तुम मुझसे लड़ाई करना ही चाहते हो। फिर पेन कहता है कि हाँ लड़ाई से ही सब कुछ होगा, और फिर वो भागते हुए नारुतो के पास जाता है एंड वो स्पीड से उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम मरोगे नारुतो। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो उसे डॉज करके उसका हाथ का रॉड तोड़कर उसको दूर फेंकता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर एक बड़े से स्टोन के ऊपर जाकर लगता है। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि पेन के रॉड को अपने हाथ में घुसाता है ताकि उसके चाकरा को ट्रैक कर सके सेज मोड की वजह से, और वैसा ही होता है। वेल वो चाकरा जब से आ रहा होता है नारुतो को समझ जाता है और नारुतो नागाटो को स्पॉट कर लेता है। नारुतो कहता है कि साला मिल गया वो काला बंदा, अब उसे पकड़ूंगा मैं। उसके बाद पेन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस बंदे ने सब कुछ ढूंढ निकाला। फिर नारुतो कहता है कि अब इसको खत्म करने की बारी आ चुकी है और वो शैडो क्लोन निकाल कर रसेंगन को क्रिएट करता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो शैडो क्लोन से स्मोक बॉम्ब क्रिएट करता है ताकि पेन को मुश्किल हो। फिर वो बहुत बड़े रसेंगन शुरिकेन को आगे बढ़ाता है पेन की तरफ, बट पेन उसे अलमाइटी पुश देकर वैनिश कर देता है। सडनली स्मोक के अंदर से नारुतो फिर से क्रशिंग शुरिकेन मार के फेंकता है पेन की तरफ, बट पेन हवा में उठकर उसे वी डॉज कर लेता है। पेन को अंदाजा नहीं होता। फिर बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे नारुतो के शैडो क्लोन्स पेन के अवती बहुती होते हैं। ये देखकर पेन शॉक होता है, कहता है कि इसने शैडो क्लोन को बुलाया मेरे लिए। फिर हम देखते हैं कि शैडो क्लोन पेन की तरफ जाते हैं उसे मारने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और उसके दो शैडो क्लोन वहाँ पर पीछे अटैक करने के लिए होती है। पेन कहता है कि तुम इससे मुझे कुछ नहीं कर पाओगे, और वो अलमाइटी पुश देता है नारुतो की तरफ। फिर हम देखते हैं कि नारुतो को अलमाइटी पुश लगने वाला ही होता है, बट उसके शैडो क्लोन से बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेन कहता है कि इसके शैडो क्लोन ने इसे बचा लिया। हाँ, फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो फिर से क्रशिंगन बनाता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि ये पेन का खात्मा होगा, क्योंकि पेन बहुत दूर होता है। पेन को लगता है कि इतने दूर से वो मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा, बट नारुतो कैसे वैसे करके अपने शैडो क्लोन के यूज़ के वजह से आगे बढ़ता है और पेन के पेट में बहुत बड़ा रसेंगन मार के फेंकता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एक क्लिफहैंगर के साथ ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड सायोनारा, पीस आउट।